हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईबीएस पेडागॉजी का 30 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे, जो कि बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा सीटेट परीक्षा को दृष्टि से। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। इसमें से कुछ कथन दिए गए, उन कथनों में से सत्य को चॉइस करना है। फर्स्ट है, हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करती हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकंड है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। थर्ड है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 क्विंटल होता है, किग्रा होता है। फोर्थ है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा जाते हैं या खा लेते हैं। तो इस प्रकार के चार कथन दिए गए हैं, तो चार कथनों में से हमें सही कथनों को चॉइस करना है। तो हमारा इस द करेक्ट आंसर होगा, जिसकी फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि गिदले पानी से खेलना पसंद करती है, नहाना पसंद करती है। ये इज द करेक्ट है, क्योंकि हाथी क्या है, इससे उन्हें ठंडक मिलती है। ये इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड में, थर्ड में बोल रहा है कि हाथी 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका लगभग 200 किलोग्राम उसका वजन होता है। इज द करेक्ट है। और हाथी, अधिकांश हाथी क्या करते हैं, इतने किलोग्राम 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा जाते हैं। इज द करेक्ट। तो ये हमारे कहाँ बैठता है, थर्ड में। तो इज द आंसर, इज द करेक्ट हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहते हाथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल प्रेस कर, जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चॉइस करना है। तो मधुबनी एक चित्रकला है, इसके बारे में सही कथन हमें चॉइस करना है। फर्स्ट ए है हमारा, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है। तो तीन कथन दिए गए हैं, चौथा भी है इसमें, देख लेते हैं। डी है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो डी भी दिया, इसमें चार दिए कथन हमने देख नहीं पाए थे, चलो कोई नहीं। तो जैसे कि इसमें दिया है मधुबनी कला की, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान का नहीं है, ये बिहार का अति प्रसिद्ध मधुबनी है, और जो कि जिला भी पड़ता है ये बिहार में ही पड़ता है। तो डी तो हमारा इसमें नहीं है, हमारा ये नहीं होगा इसमें डी वाला। तो अब डी डी आपको, जहां आपको डी दिखाई दे रहा हो ऑप्शन से हट जाएगा। तो हमारा ए में भी डी है और फर्स्ट में भी डी है और थर्ड में भी डी है और सेकंड में भी डी है। तो आपको आंसर यहां मिल गया होगा। तो आपको आंसर, जैसे कि हम बात करें कि यहां पर आंसर हो गया फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्यों हो गया कि हमने बताया डी, अब राजस्थान में जो उसको जिला पड़ता है मधुबनी, ये राजस्थान में नहीं, ये बिहार में पड़ता है। तो हम बात करते हैं जैसे हल्दी, नील, फूल, पेड़ों की और चावलों का इस्तेमाल किया जाए चित्रकला को बनाने में, और इसमें इंसान, जानवर, पेड़ पौधों का भी चित्र, मछलियों का दिखाए जाते हैं। और यह लोक चित्रकला है, बहुत पुरानी चित्रकला है, बिहार की है, जो जिला पड़ता है मधुबनी, वहाँ पे ये प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। कोई पक्षी है अपनी ऊंची डाल पर क्या है, घोंसला बना रहा है, कौन सा पक्षी है? फर्स्ट है शकरखोरा, सेकंड है किलचिड़ी, थर्ड है कौवा, फोर्थ है फोकता। तो ये फक्ता तो नहीं बनाता, ये राजस्थान में रहता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वाला, थर्ड, कौवा। कौवा क्या ऊंची ऊंची डालों पर, पेड़ों पर आके अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। पोचमपल्ली एक गाँव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किस भाग में है? तो पोचमपल्ली क्या है, एक गांव है, गांव का नाम है, और यहां पे कपड़े की बुनाई होती है और बुनाई को ही पोचमपल्ली कहते हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो वो कहाँ पर है? तो ये हमारा गाँव पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। इज द करेक्ट आंसर। पोचमपल्ली गांव आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पर ही पोचमपल्ली प्रसिद्ध कपड़ों पर कढ़ाई बनाई हुई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चॉइस करनी है। रेगिस्तानी ओक दिया है, इसके बारे में सही कथन चॉइस करना है। देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमने नेक्स्ट सेशन में आपको एक इस प्रकार क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे भी दोबारा यही क्वेश्चन आ रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ रिपीट होते रहते हैं। तो ए देखते हैं, ए यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बी यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी रहती हैं, सी इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जहाँ तक कि पानी तक ना पहुँच जाए, डी इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो इस प्रकार के राजस्थानी ओक के बारे में खासियत दी गई है। तो राजस्थानी ओक की अगर हम बात करें तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि पहले तो ए यहाँ पे क्या है, राजस्थानी ओक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, जिसे रेगिस्तानी बोलते हैं, रेगिस्तानी ओक है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इज द करेक्ट है। और अगर हम बी में बात करें, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है जिसकी टहनियाँ क्या है, वो जड़ें क्या टहनियों से लटकती हैं, तो ये भी दिया गया है। और हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि इसके तने में क्या करता है, पानी जमा हो जाता है और लोग इसे क्या करते हैं, इस पानी का पतले पाइप पे प्रयोग करते हैं निकाल कर तने से और इसे पीते हैं। तो ये हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा किसमें दिया है, हमारा सेकंड में। तो ए सी डी थोड़ी मिस्टेक होगी लग रहा है हमें, यहाँ पर मिस्टेक ये होगी कि हमने जो बी को पढ़ा था वो सही से नहीं देखा, क्योंकि डी ये बरगद के बारे में बात कर रहा है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, इसमें सी हो जाएगा, सी ए और सी और डी, क्योंकि सी में इस पेड़ की जमीन की जो जो जड़ें होती हैं वो उस गहराई तक जाती हैं जहाँ तक उसका पानी प्राप्त ना हो तब तक वो जाती रहती हैं। तो हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, ए सी डी। तो थोड़ा करेक्ट कर लें, थोड़ा मिसिंग होगी देखने में, ये बरगद के बारे में दिया गया, हम थोड़ा टहनी के बारे में समझिए इसे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में। क्वेश्चन है हमारा अबू धाबी के विषय में सही कथन चॉइस करना है, ये भी अबू धाबी के बारे में दिया है और सही कथन चॉइस करना है हमें। जैसे दिया है ए यह रेगिस्तानी इलाके में है, बी अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, सी यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, डी अबू धाबी की मुद्रा रुपये को दीनार कहते हैं। तो इस प्रकार के कथन दिए गए हैं अबू धाबी के बारे में, तो अबू धाबी के हमें कथनों को चॉइस करना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहला देखते हैं हम लोग, जैसे कि इसमें दिया गया है अबू धाबी के बारे में, तो हमारा अबू धाबी क्या है, ये रेगिस्तानी इलाके में पड़ता है, इसका करेक्ट ए हो जाएगा हमारा। अगर हम डी के बारे में बात करते हैं तो हमारा डी, इसकी जो मुद्रा है वो किस प्रकार की है, वो दीनार कहला जाती है, इसकी मुद्रा दीनार कहलाती है, और यहाँ पे जो पानी है पेट्रोल से क्या है महंगा है, ये इसका करेक्ट है, क्योंकि पेट्रोल ही पाया जाता है। तो हमारा ये कहाँ पर है, ए डी और बी, तो यह इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्थ वाला इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, साथ में इतनी मेहनत करने वाला लाइक तो बनता है। कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, फर्स्ट है बैगनी और नीला, सेकेंड है हरा और पीला, थर्ड है काला और सफेद, फोर्थ लाल और संतरी। तो कुछ जानवर जागते हैं, तो जानवर के बारे में बताया गया है, तो जो जानवर रात में जो वस्तुएं देखते हैं या जो चीज़ें देखते हैं उन्हें काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं, जो रात में देखते हैं जानवर, तो ये इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा एडजस्ट करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे चित्र फर्स्ट में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, यदि चित्र सेकंड और चित्र थर्ड में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भागों में दिखाए गए हैं, तो एक्स और वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चॉइस करना है। तो यहाँ पे क्या है, घड़ी दिखाई गई है, दो चित्र हैं फर्स्ट और सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट वाले में 24 घंटे का टाइम दे दिया है इसमें, और दूसरे में जो सेकेंड और थर्ड है ये वो वाली घड़ी है जो जानवरों का टाइम दिया गया है एक्स और वाई, तो उसमें जो छाया की गई है मतलब जो काला कर दिया गया है उसमें उनका सोने का टाइम दिया गया है, तो वो कितने समय तक सोते हैं ये टाइम पूछा गया है क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख उसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसके, फर्स्ट है एक्स 20 घंटे सोता है
जबकि बाई 18 घंटे सोता है, ये दिया गया फर्स्ट वाले में। सेकंड में देखते हैं, एक्स 18 घंटे सोता है जबकि बाई 4 घंटे सोता है। थर्ड में दिया है एक्स 4 घंटे सोता है जबकि बाई 18 घंटे सोता है। फोर्थ में दिया है एक्स 4 घंटे सोता है जबकि बाई 20 घंटे सोता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे जिसकी ये जानवरों के ये चित्र दिए गए, तो यहाँ से 12 और 12 से 1 और 2, 2 से हमारा यहाँ पे 3 बजे तक हो गया, हमारा 2 बजे तक ही टाइम हो गया ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितने घंटे सो रहा है एक्स, एक्स कितने घंटे सो रहा है हमारा यहाँ पे, एक्स जो हमारा यहाँ पे कितने सो रहा है, 4 घंटे सो रहा है इस हिसाब से, घड़ी के हिसाब से, क्या इस घड़ी के हिसाब से एक्स क्या हमारा यहाँ पे 4 घंटे सो रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, बाई क्या है यहाँ पे इस हिसाब से क्या है 18 घंटे सो रहा है, कितना सो रहा है 18 घंटे। तो एक्स कितना सो रहा है 4 घंटे और बाई सो रहा है 18 घंटे। तो ऑप्शन में इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन में आंसर है हमारा थर्ड वाला, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि जो 4 घंटे क्या है एक्स सो रहा है और बाई सो रहा है जो 18 घंटे सो रहा है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। मृत सागर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, सेकंड है ऐसा सागर जो पानी सॉरी सभी महानगरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, थर्ड है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, फोर्थ ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। तो मृत सागर के बारे में पूछा गया है, तो मृत सागर कैसा है, तो अगर मृत सागर के बारे में बात करें तो मृत सागर क्या होगा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, इसलिए उसे मृत सागर कहा जाता है क्योंकि उसका पानी क्या है ज्यादा नमकीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते शेयर करते हैं साथ साथ में, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाए एडजस्ट करेंगे कोई बात नहीं। कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है, नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थी को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो अंजलि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन की आदतें और संबंधित जानकारी है संस्कृत क्षेत्र के बारे में विविधता के बारे में बताना चाहती है और विशेषता के बारे में, तो अधिकम अवसर के बारे में विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, सेकंड है विभिन्न क्षेत्र सांस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना, थर्ड है पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना, फोर्थ है किसी बाहरी भोजन वाले बनाने वाली व्यवसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक भोजन को प्रदर्शित करने के लिए कराना। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर हम अगर बच्चों को सिखाने के लिए बात की जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति विद्यार्थियों की क्यों सो घरों से क्या विद्यार्थियों के घर उनके घरों से खाए जाने वाले भोजन के मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से उनकी सूचना को आदान प्रदान करना ही इज द बेस्ट तरीका होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय पृथ्वी प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, वांछित उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो कक्षा फिफ्थ के बच्चों के लिए प्रदूषण पर एक चिंताओं के बारे में बताया जाना चाहिए, जो कि अध्यापिका प्रति प्रदूषण के बारे में बताना चाहती है, तो किस पर अधिक बल देना चाहिए ये चीज क्वेश्चन में बोली गई है और कौन से प्रभावी हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, सेकंड है विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, थर्ड है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर चर्चा कार्य करने के लिए कहना, फोर्थ है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। तो इस प्रकार से दिया गया, तो कौन से क्रियाकलाप सबसे बेस्ट होंगे जो बच्चों को सिखाने में अच्छा होगा। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो हमारा आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला,
बहुत से बच्चे क्या करेंगे सेकंड पे जाएंगे और सेकंड वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्वैच्छिक भ्रमण ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को सिर्फ दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, नदी को सिर्फ दिखाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ किया नहीं जा रहा है। जो थर्ड वाले में क्या कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंध समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए किया जा रहा है, तो बच्चे क्या इसमें कार्य करने के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, तो हमारे इसीलिए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सेल्फ कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। नेहा कक्षा फिफ्थ के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। फर्स्ट है हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, सेकंड है गृह कार्य मूल्यांकन, थर्ड है परियोजना कार्य मूल्यांकन, फोर्थ है मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है, तो मूल्यांकन कौन सा दे सकता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन के बारे में, तो हमारा सबसे बेस्ट होगा एक तो हस्त वाला हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कैसे क्रियाकलाप सेल्फ कर रहे हैं स्वयं कर रहे हैं। एक हो जाएगा मौखिक परीक्षा, क्योंकि बच्चे उसमें क्या खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, गृह कार्य की पता नहीं है घर वाले कर दें जैसे कि आजकल होता है, परियोजना कार्य दूसरे बच्चे से करा, दूसरों से भी बच्चे का करा के लेकर आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है फोर्थ और फर्स्ट में बच्चा सेल्फ इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, इसी में हमारा फर्स्ट और फोर्थ दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए, तो फर्स्ट है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, सेकेंड है मास्टरी लर्निंग, थर्ड है विस्तृत अधिगम के लिए चुनौती और उत्तेजना, फोर्थ है समय का सदुपयोग। तो ईवीएस के गृह कार्य के बारे में बात की जा रही है, तो सबसे बेस्ट केंद्रित कौन सा होगा हमारा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे हमारा बेस्ट होगा थर्ड वाला, क्योंकि विस्तृत अधिगम के बारे में और चुनौतियों को उत्तेजना करने का ही सबसे बेहतरीन तरीका गृह कार्य हमारा होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इज द करेक्ट थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। शालिनी ने कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक मतलब नहीं में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को। तो यहाँ पे शालिनी अध्यापक है फोर्थ क्लास की, तो विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए या शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई गई है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि ऑब्जेक्ट हमारा पूछा गया अप्रासंगिक कौन है या कौन सा है। तो फर्स्ट है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, सेकंड है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना या आना, थर्ड है बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, फोर्थ है अपने साथ पेन और नोटबुक ले जाना। तो अप्रासंगिक के बारे में बात कीजिए, जो नेगेटिव में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा अप्रासंगिक वाला इज द हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे बस्ता ले जाने के लिए बात करके लेकर आना ये वाली बात की जा रही है, तो इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी, बैग की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे बाकी के वो पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि शंका को प्रश्न पूछना क्या है, अगर बच्चे कोई डाउट है कोई भी चीज़ क्लियर करना चाहता है तो प्रश्न को पूछ के क्वेश्चन क्लियर कर सकता है, और मुझे सूचित करके कहीं नहीं आना सही बात है, क्योंकि बच्चा कहीं भी चला जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे अनुचितता होगी, तो जो भी बात की जाएगी वो टीचर से बोल के जाना चाहिए। और शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे हैं तो नोटबुक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी मिलेंगी जो हमें नोट करना होगा। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हमारा जाएगा अप्रासंगिक के अकॉर्डिंग इज द सेकंड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, फर्स्ट है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, सेकंड है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, थर्ड है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, फोर्थ है पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो सबसे बेहतरीन ईवीएस के लिए कौन सा होगा ये क्वेश्चन हम पूछा गया, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, क्योंकि बात कर रहा है सेकंड में अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना, क्योंकि एनवायरनमेंट भी और हमारा एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चे को जो भी चीज़ पढ़ानी है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ानी चाहिए, उसे जोड़कर पढ़ानी चाहिए। और दूसरा क्या है ईवीएस में जो हमारा एनवायरनमेंट से जोड़कर या खोजने के लिए अवसर प्रदान करेंगे तो इज द करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कीवर्ड आया हुआ है हमारे अवसर, जब भी जिस भी सेंटेंस या ऑब्जेक्टिव में आपका अवसर कीवर्ड दिखाई दे तो हमारा सबसे ज्यादा 99% केस में हमारा आंसर इज द करेक्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियां समृद्ध करने का कारण है, तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी साहित्यिक रुचि विकसित करना, सेकंड है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, थर्ड है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना,
फोर्थ है विषय वस्तु को विस्तृत करने की नित्यचर्या और एक सरलता में परिवर्तन। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कहानी कविताओं में सम्मिलित करने के बारे में कारण पूछा जा रहा है। तो मैं करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे अधिगम के बारे में अमोद प्रमोद प्रदान करना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चे कहानी और कविताओं से क्या है एक सांस्कृतिक चीज जुड़ी होती है, दूसरा क्या है चिंतन प्रक्रिया यहाँ पे उत्पन्न होती है बच्चों के अंदर। तो यही हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो क्वेश्चन देखते हैं, चार भावी शिक्षकों से कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया, प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो चार टीचरों से पूछा गया कि कक्षा फिफ्थ के विद्यार्थियों के लिए यात्रा विषय पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है, तो उन्होंने सबने मिलकर एक रूप केंद्रित किया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, सेकंड है पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, थर्ड है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, फोर्थ विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कीवर्ड आपको अनुभव सेल्फ होना, बच्चे पे इस तरह के कीवर्ड आते हैं तो हमारे की का वर्ड की तरह काम करते हैं, आपको इस प्रकार के सेंटेंस में दिख जाए तो हमारे आंसर 99% केस में होते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों ने जो यात्रा की है अपने उपयोग के अकॉर्डिंग विभिन्न साधनों और अनुभव का वर्णन करने के लिए कहा गया है, तो वो अपने जो बच्चों ने जो वहाँ पे यात्रा का उपयोग किया गया है किस तरह के साधनों का उपयोग किया उनके अनुभव के बारे में बताने के लिए बोला है, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा फिफ्थ की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। कथन ये है, यदि आपके गांव और शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा, इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें कथन दिया गया, कथन के बारे में पूछा गया है, तो पेट्रोल डीजल ना हो एक सप्ताह तक आपके गांव में तो क्या होगा, इस प्रकार की चीज। ऑप्शन देखते हैं इसके, फर्स्ट है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, सेकंड है छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, थर्ड है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचार करने की कुशलता को बढ़ावा देना, फोर्थ डीजल और पेट्रोल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है आपके गाँव में डीजल और पेट्रोल ना रहे शहर और गाँव में तो क्या होगा, तो ये क्या है हमारा, ये कहाँ की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है हमारा चिंतन प्रणाली की तरफ जा रहा है, क्योंकि वास्तविक जीवन में हमारा वास्तविक जीवन में अगर सोचेंगे कि हमारे अगर ये नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, तो कल्पना सोचेंगे, कल्पना होगी इससे चिंता प्रक्रिया उत्पन्न करेंगे और विचार करने की कुशलता इसमें को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में, इतनी मेहनत करने का लाइक तो बनता है। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है, ईवीएस की पढ़ाई में जो प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सेकेंड है विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, थर्ड है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, फोर्थ है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे ईवीएस में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चों की क्या जिज्ञासा को उत्पन्न किया जा सके, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि विद्यार्थी में सीखने की जिज्ञासा को उत्पन्न किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई एक प्रमुख उद्देश्य है, फर्स्ट है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, सेकंड है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, थर्ड है कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंध करने में सहायता करना, फोर्थ है स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर के लेवल की बात की जा रही है और ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य पूछा जा रहा है इसका हमारे क्वेश्चन में। तो इसका हमारा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को जो प्राथमिक लेवल पर बात की जा रही है कक्षा की पढ़ाई को
शिक्षार्थियों को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने की बात की जा रही है, संबंधित करने की सहायता करने की बात की जा रही है। तो एनसीएफ यही कहता है हमारा, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ पढ़ानी चाहिए वो हमारे प्राथमिक लेवल पर वो वातावरण से जुड़ी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। सीटेट में ऐसा बहुत होता है, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जाता है, बच्चे क्या करते हैं पॉजिटिव आंसर पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी उसे पॉजिटिव में पढ़ के आंसर भी पॉजिटिव में दे देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत जरूर देखनी है कि आंसर और किस प्रकार से पूछा गया। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो हमें नहीं में आंसर देना है। यहाँ पे तीन पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव को छांटना है। तो जैसे पूछा गया प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। सेकेंड है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख करने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड है बच्चों को लकड़ी के गट्ठरों का भंडारण दिखाना। फोर्थ है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। ये क्वेश्चन में दिया गया। अगर यहाँ पे हम बच्चों से क्या नारे लिखवाएंगे तो बच्चे से कुछ यहाँ पे प्रतियोगिता कराएंगे तो बच्चे से कुछ कुछ सीखेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं कि वृक्षों को अपनाकर देखरेख करना तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे बात करते हैं पोस्टर से बनवाना, यहाँ पे बच्चे क्या सेल्फ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फर्स्ट वाले भी सेल्फ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इनमें तीनों में क्या बच्चे कुछ ना कुछ सेल्फ इंक्लूड होके कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच्चे पॉजिटिव आंसर या पॉजिटिव हमारा होगा। तो नेगेटिव आंसर होगा हमारा थर्ड, क्योंकि बच्चों को लकड़ी के गट्ठर का भंडारा दिखाना इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रिया पर रोल प्ले आयोजित किया, इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। तो क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो फर्स्ट है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना। सेकेंड है अधिगम की प्रक्रिया में एक सरता को तोड़ना। थर्ड है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना और सुनिश्चित करना। फोर्थ है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ईवीएस की कक्षा में जल पाठ को पढ़ाते समय क्या यहाँ पे रोल प्ले किया गया, व्यक्तिगत रोल प्ले किया गया, तो यहाँ से क्या हुआ बच्चे को यहाँ से सीखने के लिए मिले, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सक्रिय हो रहे हैं, खुद यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेने के लिए सुनिश्चित करना हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को समृद्ध करके विकसित किया गया, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे विद्यार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। सेकेंड है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। थर्ड है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। फोर्थ है विषय अध्यापक की आवश्यकता को कम करना। तो ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को समृद्ध करने की यहाँ पे बात की जा रही है या विकसित करने की बात की जा रही है। तो हमारे क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण संपूर्ण ढंग से देख रेख की योग्यता की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक से भी हमारा इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है, पर्यावरण से भी हमारा इन्वायरमेंट इंक्लूड होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईवीएस कक्षा में सामाजिक समानता असमानता पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रभावी अधिगम अनुभवी होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अधिगम अनुभवी होगा। तो फर्स्ट है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्यूज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना थर्ड के अकॉर्डिंग। फोर्थ दिया है विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं पर भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानता को अधिक बल देने के लिए कौन सा अधिक प्रभावी होगा अधिगम अनुभव का अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है विद्यार्थियों से समूह चर्चा या परियोजना पे बाहर अपने ऊपर लेने की, मतलब अपने ऊपर का मतलब यहाँ पे सक्रिय हो रहा है, यहाँ पे बच्चे के सक्रिय जुड़कर सीखने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अनुभव क्या बच्चे खुद इंक्लूड होंगे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में।
पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो पसंद नापसंद सांप खाने के बारे में बात कर रहा है बच्चा, अपनी और अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है, तो यह बच्चा कहाँ का हो सकता है, ये चीज़ पूछी गई क्वेश्चन में। तो ये बच्चा कहाँ का होगा? हांगकांग में, क्योंकि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। हमने डायरेक्ट इसका क्वेश्चन बताया, क्यों बताया, इसका कारण है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो आपके दिमाग तुरंत क्वेश्चन का पुटअप वो आंसर पुटअप जाए कि बच्चा कहाँ का हो सकता है। बच्चा सांप खा रहा है तो हांगकांग खा रहा है। कहाँ से खा रहा है? हांगकांग में बच्चा बैठ खा रहा है। तो यहाँ पे सांप जो खाए जाते हैं वो हांगकांग में बैठ खा जाते हैं, इज द करेक्ट होगा। बाकी एक ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आसाम में, आसाम में सांप नहीं खाए जाते क्योंकि भारत में पड़ता है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं खाए जाती है। सेकंड तो हो गया हांगकांग, उड़ीसा की बात करते हैं। थर्ड में उड़ीसा में भी सांप नहीं खाए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे भी सांप नहीं खाए थे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा हांगकांग। और इस डायरेक्ट भी आसाम में तारीख का यही कारण है, क्योंकि आपको याद रहे क्वेश्चन जब भी आता है कि सांप खाने के बारे में बात की जाती है तो आंसर आप तुरंत लें हांगकांग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि के बारे में कथन दिए गए। फर्स्ट है, ब्रेल के मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। सेकंड है, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। थर्ड है, बिंदुओं की पंक्तियां या पक्तियां कुछ नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। फोर्थ, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ाया जाता है। सही कथन है। तो इस प्रकार के सही कथन पूछे गए। तो अगर हम बात करें तो ब्रेल लिपि जो होती है वो ब्लाइंड चाइल्ड के लिए होती है या अंधे बालकों के लिए होती है, हम ये बोल सकते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते सही से उन बच्चों के लिए होती है। तो ये क्या है? एक मोटे कागज पर बनाई जाती है। इज दैट करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे? तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा कि मोटे कागज पर बनाई जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे 8 बिंदु नहीं होती, यहाँ पे कितने होते हैं? 6 बिंदु होती है। तो हमारा सेकंड वाला नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम बात करें ये पंक्तियों में नुकीले औजारों से बनाई जाती है, करेक्ट, क्योंकि अपने टच करेंगे तभी बच्चे को पता चलेगा, तो सेकंड वाला हो जाएगा। अगर फोर्थ वाले में बात करें तो इसके बच्चा फेर कर पढ़ता है। तो हमारा इसी कहाँ पे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, किधर हमारा? फोर्थ वाले में। कहाँ पे हमारा? फोर्थ वाले में हो जाएगा। यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे थर्ड दे दिया गया है, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कहाँ पे दिया? हमारा फर्स्ट वाले में दिया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। निम्नलिखित में सही कथन चॉइस कीजिए। सही कथन चॉइस करना है। ए दिया, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। डी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे वे अंडे देते हैं। तो इस प्रकार के सही कथन चॉइस करना है हमारा। तो हम सही कथन की अगर बात करते हैं तो हमारा सही कथन हो जाएगा, पहले ए देखते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, इसका करेक्ट है, क्योंकि जो बाहर के कान होते हैं वो बच्चे देते हैं, इसका करेक्ट है। अगर यहाँ पे हम बात करें बी की, कि जिनके बाहरी कान और बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, इसका करेक्ट है। आप देखना जो भी जीव जंतु या जानवर अंडे देते हैं उनके बाहर कान नहीं होंगे और शरीर पर बाल भी नहीं होंगे, इसलिए ये दोनों हमारे ए और बी का करेक्ट है। तो ए और बी हमारे किस में? फोर्थ में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ साथ में। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चॉइस कीजिए या सही कथन चुनिए। तो फर्स्ट है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। सेकंड है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तो ये मधुमक्खी बारे सही कथन दिए गए, कथन चॉइस करना होगा। कथन देखते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा ऐसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे फोर्थ और दिया है, फोर्थ को और पढ़ते हैं। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो ये यहाँ पे चार कथन दिए गए, थोड़ा सा हमने फोर्थ ये पढ़ दिए थे बाकी की, तो वहाँ पे दिख रहे हैं वैसे तो क्वेश्चन में, फिर भी हमने पढ़ के बता दिया एक बार। तो यहाँ पे आंसर को चॉइस करना है और सही कथन को पढ़ देखना हमें। तो इसका जो आंसर है करेक्ट होगा, जैसे कि बोला जा रहा है कि मधुमक्खी पालने के लिए मार्च तक, मार्च की बात नहीं करते हैं, अक्टूबर दिसंबर में पाला जाता है जो कि बिहार में। तो ये वाला फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, तो हमारा ये नहीं है। अगर हम बात करते हैं सेकंड वाला, तो लीची के फूल लुभाते हैं, इसका करेक्ट है, लीची के फूल लुभाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण बक्सों में किया जाता है, इसका ये भी सही बात है कि बक्सों में किया जाता है।
इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगर हम बात करते हैं मधुमक्खियों के लिए मीठे घोल की आवश्यकता होती है, चीनी के घोल की, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट और थर्ड फोर्थ कहाँ पे दिया गया, थर्ड वाले में दिया गया, तो इज द करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे स्किप कर देते हैं, ये क्वेश्चन क्या सॉल्व करने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। नीचे जानकारी दी जा रही है और टिकट के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ए है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बी है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। सी है किराया, सॉरी यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। डी है ट्रेन का नंबर और नाम व स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ये अंतिम स्टेशन पहुंचने की तारीख और समय, तो ये चीज इसमें दी गई है, एक टिकट यात्रा से क्या क्या हमें प्राप्त हो सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो जैसे हम टिकट, अगर रेल टिकट से आपने देखा हो, नहीं तो एक बार जरूर चेक करना रेल टिकट के बारे में। यहां से क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव हो जाएगा और यहां से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार की चीजें बहुत जरूर देखनी है। तो जैसे हम बात करते हैं कि हम कोई टिकट खरीदते तो टिकट बुक करते समय हमें तारीख, समय और यात्रा शुरू होने करने की डेट और समय दिया जाता है कि कितने बजे ट्रेन आएगी और कितने बजे पकड़ी जाएगी और कितने वहाँ पे पहुँचना है हमें, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। डिब्बे का नंबर अगर बात करते हैं तो डिब्बे का नंबर होता है, क्यों होता है, क्योंकि हमें कहाँ बैठना है ये भी तो होना पता होना चाहिए। तो डिब्बे का नंबर भी होता है और बर्थ का नंबर भी होता है, हमें कौन सी सीट पर बैठना है और किराया कितना है ये भी उसमें नोट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सी वाले में तो आयु और नाम वगैरह इस पर नहीं होते हैं, ये चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, तो सी तो हमारे यहाँ पे होगा नहीं। अगर हम बात करते हैं डी वाले की, तो ट्रेन का नंबर होता है, इज द करेक्ट है, स्टेशन का नाम भी होता है, कहाँ से ट्रेन पकड़नी है और कहाँ तक जाएगी, अंतिम स्टेशन का नाम भी होता है। तो आप एक टिकट कभी भी आप रेल यात्रा करते हैं तो इस प्रकार की एक बार छानबीन जरूर करें। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा ए बी और डी, तो आंसर इज हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला इज द करेक्ट। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, कोई बात नहीं, अगर हमें एक्सपीरियंस अच्छी तरह से मिल रहा है तो इज द गुड होता है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको वीडियो मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में चैनल शेयर करें, और जिससे कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करें उनके लिए वीडियो यह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।